गाइस पीएफपी नंबर 7 को देखिएगा, लॉज ऑफ मोशन की। और दमदार है, आपने इस तरह का एक एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, अपने ही चैनल पर पढ़ा हुआ, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द पावर ऑफ एन इंजन, आपको पावर निकालनी है तो यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, आपको पावर निकालनी है इंजन की पावर, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये ट्रेन का एक इंजन है, मैं बना कर दिखा देता हूँ, ये ट्रेन है और ट्रेन का ये इंजन है, ठीक है। ये कुछ इंजन इस तरह से, ये ट्रेन का इंजन है, इसकी पावर बतानी है आपको। अब मुझे बताओ ट्रेन का मास अगर m है तो इसका वेट नीचे को mg कुछ ऐसे लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को कुछ इस तरह से लग रही होगी, ठीक है। जब ये ट्रेन आगे को मूव करेगी, आगे को मूव, अगर ये एफ फोर्स आगे को लगा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लगेगा, यस और नो? बिल्कुल बात सही है। तो देखो हम जो है, हमारा प्राइम मोटिव है कि इस फोर्स को फाइंड आउट कर लेना। अगर फोर्स निकल गए तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है। हमसे कह रखा कि ये ट्रेन जो है 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमसे कह रहा फाइंड द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन मेंटेन अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड फॉर अ ट्रेन ऑफ मास 3 × 10^5। तो यहाँ पर मास भी आपको मेंशन किया हुआ है, कितना है, 3 × 10^5 किलोग्राम, ये मास है। ऑन अ रफ लाइन द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज, आपको कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी दे रही है, ये है 0.05। आगे बोलो, हमसे कह रहा है टेक जी जो है आपको 10 लेना, तो जी की वैल्यू को आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। तो एक काम करो, आपको फोर्स निकालना, क्योंकि अगर आपको फोर्स मिल गया तो पावर इज इक्वल टू होता फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स आपको निकालना, तो आप ये कहेंगे सिंस वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं, हमने इतना सीख लिया है कि यहाँ पर जो एफ होगा, एफ फोर्स जो होगा ये किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा म्यू इंटू एम जी के, यस और नो? एफ इज इक्वल टू म्यू आर कह दो, आप म्यू एम जी कह दो, तो ये फोर्स आप निकाल लो। तो एफ इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.05, और एम जी कितना है आपके पास, मास कितना है 3 × 10^5, और जी आपको 10 लेना, ठीक है। पॉइंट हटा दूंगा मैं, 100 कर दूंगा नीचे, मतलब 20, 20 का मतलब ये 10 तो गया ही गया, 10 इसका ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 4, तो 5 × 15 × 10^4 बचेगा 4। तो इतना फोर्स लग रहा होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंजन इतना न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। तो इंजन का आपको फोर्स मिल गया, इंजन इतना फोर्स लगा रहा होगा। अब आगे देखो, फोर्स आपके पास है, यस, तो आप अब कहेंगे सिंस वी नो दैट पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इसको आप पी कहते हो, ये होता है एफ इंटू बी के बराबर। एफ कितना है आपके पास 15, इसको मैं 10^4 को ऐसे ही रहने दूंगा, और v कितना है, v किस स्पीड से जा रहा था, 50 से, तो 15 × 5 कितना होता है 75, 10 ऐसे रह जाएगा 10^4। ये एक काम कर लो, 10 इसका यहाँ पर ले लो, तो ये हो जाएगा 75 × 0, 10^3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500, 10^3 का मतलब होता है किलो, तो ये आप इसको कह सकते हो किलो, और पावर है तो ये वाट में आ जाएगी, तो 7500 किलो वाट ये इंजन की पावर आ चुकी है। मुझे नहीं लगता टफ है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल भी है। जल्दी से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ।